आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। यूपी में लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट। सीएम योगी ने हर नगरीय निकाय में सिविल डिफेंस की इकाई गठित करने का दिया निर्देश। कानपुर में बीच सड़क में दो पक्षों में मारपीट, भगदड़ मची। रायपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना, जमकर चले लादखुसे। मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीएमएस पर दहेज हत्या का मुकदमा। झांसी में भाई की बहू फंदे पर लटकी मिली थी, 6 माह पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद में पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले नोटों के बंडल। रोहतक में मजदूरों का करोड़ों रुपए लेकर भागे थे 3 ठेकेदार, तीनों पकड़े गए। जीजा ने साली का बनाया अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में पिकअप पर पलटा ट्रक, एक की मौत, पिकअप चालक की गंभीर हालत, कानपुर रेफर, ट्रक में लदा था मोरंग। गाजीपुर में 28 फरवरी तक होगी धान की खरीद, ऑफलाइन टोकन के जरिए किसान को बेचे सकेंगे धान, पहले दिन खुले 56 क्रय केंद्र। घूसखोर डिप्टी एसपी को योगी ने बनाया इंस्पेक्टर। रामपुर में तैनात एसईओ विद्या किशोर शर्मा का डिमोशन, रिश्वत का वीडियो सामने आया था। गाजियाबाद में किडनैप हुआ बच्चा, 24 घंटे में बरामद 5 रुपए थमाकर आरओ को गोद में ले गया था किडनैपर, आरोपी का सुराग नहीं। मेरठ में ट्रेन से टकराकर बागपत के सिपाही की मौत, कैंट स्टेशन के पास जनशताब्दी से टकराए सिपाही, अलीगढ़ में था तैनात। अलीगढ़ में अनियंत्रित बस ने आधा दर्जन वाहनों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, पंजाब से लौट रही थी बस। सहारनपुर पेपर मिल में आग, 2 जिंदा जले कागजों के बंडल के बीच सोए थे 3 कर्मचारी लापता, फायर ब्रिगेड के 50 राउंड भी कम पड़े। आजमगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 29 करोड़ की संपत्ति कुर्क, शराब और नकेल माफियाओं पर गैंगस्टर रासुका की कार्रवाई की गई। थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस, मेरठ के सरधाना में छेड़छाड़ के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा पाठ। ताजमहल पर सुरक्षा में बड़ी चूक, बिना पास के दूसरे शहर की गाड़ी पहुंची पूर्वी गेट, पुलिस ने किया चालान। कौशाम्बी में 13 साल की लड़की से रेप, गर्भवती हुई पीड़िता बोली, मुझे ये सहन नहीं हो रहा, पिता ने कहा अब हम क्या करें। भागवत कथा के बीच होने लगा अश्लील नृत्य, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में घर में पड़ा मिला महिला का शव, रात में खाना खाने के बाद गई थी सोने, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फीस वृद्धि पर बनी कमेटी को बताए सेफ्टी वॉल्व, बीएचयू में धरना जारी, छात्र बोले हमारी शक्ति को कमजोर कर रही है यह कमेटी। भदोही में प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज, पंचायत भवन विवाद में डीएम ने की कार्रवाई, जेई वीडियो के खिलाफ जांच के आदेश।
मथुरा के वृंदावन में बस में लगी आग। बस परिक्रमा पथ पर खड़ी थी, परिक्रमा रोकी गई, शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। इटावा में मदरसे का सर्वे पूरा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट, 10 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते मिले। आगरा में डेंगू के 3 नए मरीज मिले, 2 महिलाएं और 1 युवक संक्रमित, दिवाली के बाद बढ़ रहे हैं अस्पताल में मरीज। बागपत के थाना क्षेत्रों में पुलिस वालों ने की पैदल गश्त, गाड़ियों की हुई चेकिंग, देर रात बाजार घूमने वाले को समझाया। बिजनौर सड़क हादसे में एक किसान की मौत, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर टाली, एक घायल। गोंडा में अवैध कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल, 2 पक्षों के बीच चल रहा था भूमि विवाद। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से तहसील परिसर में लगी भीषण आग, वकीलों के चैंबर में रखा तख्त व कुर्सी जलकर हुआ राख। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला नया प्रतीक चिन्ह, डीजीपी डीएस चौहान ने प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हरदोई में दोस्त की बारात में शामिल होने जा रहे दोस्तों से भरी तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिरी, हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत। बलिया में सुभाषपा के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीमा राज पर पार्टी पर लगाया आरोप, कहा सुभाषपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। बुलंदशहर में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार। चंदौली में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में दहेज लोभियों ने विवाहिता पर कैरोसिन डालकर हत्या का किया प्रयास, पुलिस ने पति सहित 3 के खिलाफ दर्ज किया मामला। गाजियाबाद में चोरों ने दिखाई दरिया दिली, कुरियर से वापस भेजे चोरी किए गहने, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। बुलंदशहर में 1 साल से भी नहीं चल पाए स्याना से ऊंचा गांव को जाने वाला डबल लाइन रोड, लोक निर्माण मंत्री से शिकायत के बाद मचा हड़कंप। गाजियाबाद थाना विजयनगर में लड़की ने 12वीं मंजिल से कूद कर दी जान, घटना की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में चीनी मिल के पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दिया चीनी मिल कर्मचारियों को आदेश। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और सहयोगियों की 10 करोड़ 12 लाख की 28 संपत्तियां जब्त, ईडी ने विकास दुबे की गैंग से जुड़ी संपत्तियां जब्त की। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 मौके से फरार। लखीमपुर खीरी में कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना, कल गोला विधानसभा सीट पर होना है मतदान।
राजधानी लखनऊ में सीएमओ ने फूड पॉइजनिंग से पीड़ित मरीजों का जाना हाल। बर्थडे पार्टी में छोला चावल खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की चौखट पर पहुंचा नाबालिग से छेड़छाड़ परिवार, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। शाहजहांपुर की दो बेटियों ने मुंबई में नाम किया रोशन, अब सुंबुल के साथ उनके पिता तौकीर को भी बिग बॉस में बुलाया गया। लखनऊ में हसनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने कंपनी को 40 लाख रुपए का चूना लगाने वाले को किया गिरफ्तार। संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सांसद सफीकुर्रहमान बर्क पर किया वार, बोली डॉक्टर बर्क के अंदर कभी कभी बाबर की आत्मा आ जाती है। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा जवान हुए अलर्ट, मादक पदार्थ व मानव तस्करी रोकने को लेकर एसएसबी जवानों ने किया पैदल गश्त। संभल में ग्राम पंचायत में फैली गंदगी, मच्छर पनपने से एक ही दिन में 3 की मौत, जिलाधिकारी डीपीआरओ का आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो हुआ वायरल, प्रधानाध्यापिका द्वारा बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू। संभल में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा सपा में मिलने वाले पद का कर रहे हैं इंतजार। औरैया में अनियंत्रित ट्रक ने कोचिंग से जा रही छात्रा को रौंदा, छात्रा की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, ट्रक चालक हुआ फरार। संभल में यातायात माह का हुआ शुभारंभ, पुलिस लाइन बहजोई पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किया शुभारंभ। रामनगरी में चल रही श्रद्धा की परिक्रमा, राम में हुआ अयोध्या नगरी परिक्रमा मेले में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। गोंडा में धान खरीद के लिए जनपद ने बनाया 78 केंद्र, प्रशासन की तरफ से धान खरीद के लिए पूरी तैयारी की गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से शिकायत करने पर दबंग हुए आग बबूला, दबंगों ने युवक को किया लहूलुहान। हमीरपुर में पत्नी ने पति पर की सरेआम चप्पलों की बौछार, 5 सेकंड में पत्नी ने चलाई पति पर 6 चप्पल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर किसानों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, प्रदर्शन में अब तक पुलिस ने 12 किसानों को किया गिरफ्तार। हरदोई में एसडीएम अतिरिक्त की गाड़ी में पुलिसकर्मी लगा रहे धक्का, धक्का मारे पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने नेताओं को जारी किया निर्देश, मतदाताओं के नाम जुड़वाने को लेकर जारी हुआ निर्देश। नोएडा में बस डिपो से सरकारी बस हुई चोरी, पूर्व ड्राइवर बस अड्डे से चुरा ले गए बस, संविदाकर्मी ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया। श्रावस्ती में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पीसीएफ कर्मी, कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पीसीएफ क्रय केंद्रों पर धान खरीद ठप। लखनऊ के पूर्वी जोन की सर्विस लांच से 51 मोबाइल बरामद किया, 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता।
श्रावस्ती में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, इनामिया लुटेरा हुआ गिरफ्तार, कई मामले में पुलिस को थी अमरचंद सोनकर की तलाश। मेरठ में रिटायर्ड फौजी को अज्ञात वाहन ने कुचला, ससुराल से हापुड़ घर जा रहा था वापस फौजी। फिरोजाबाद में 7 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, विकास भवन में बैठक कर बनाई रणनीति। आगरा में शहीदों ने घर में घुसकर लड़की को पीटा, परिजनों ने रोका तो लड़का बोला ये दोस्ती से मना कर रही, परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले कंस जैसा अत्याचारी जब धरती पर पैदा होता है तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। सुल्तानपुर के इंस्पेक्टर की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, दाखिल किया हैबियस कॉर्पस याचिका, 42 दिनों से लापता है पति। देवरिया के शहीद वरुण सिंह के नाम पर होगी सड़क, भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा प्रस्ताव। पीलीभीत में नाबालिग से दुष्कर्म कर शोर मचाने पर मारपीट कर किया घायल, आरोपी के खिलाफ एफआईआर, बरेली गए थे परिजन। मिर्जापुर में होगी राकेश टिकैत के महापंचायत, किसान यूनियन तैयारी में जुटा, अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर की चर्चा। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर पेड़ से टकराए, कंडक्टर की मौत, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, बांदा में मोरग लेने जा रहे थे। संत कबीर नगर में सरकारी दफ्तरों में डीएम का औचक निरीक्षण, नगर पालिका कर्मी को खैनी खाते देखा तो किया सस्पेंड। पुलिस ने बैंकों में चलाए सघन चेकिंग अभियान, फरुखाबाद में सीसीटीवी कैमरे में सही सुरक्षा उपकरणों की जांच की। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।